और ये गंदम भविष्य बताना चाहते हैं कि एक झूठा सुनने वाले का बच्चा भी अपने टैलेंट के बदौलत बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन सके और उसको इस बात का अफसोस नहीं हो, उसको इस बात का अभिमान हो कि हमारा बाप परिवार नहीं था, हमारा बाप कल्याण नहीं था। उसको इस बात का अभिमान हो, उसको इस बात का अभिमान हो कि इस देश में ईमानदारी से मजदूरी करना ये हमारी बदकिस्मती नहीं है। उसको इस बात का अभिमान हो वो गर्व से ये बोल सके कि हाँ हमारा बाप किसान है, हम किसान का बच्चा है। क्यों कलेक्टर का बेटा कलेक्टर न बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर न बनेगा, लीडर का बेटा लीडर न बनेगा। मैं पूछता हूं कि फादर का बेटा फादर क्यों नहीं बनेगा? ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। क्या दिक्कत? कई जगह साहब विदेश से दिक्कत बना रहे हैं और कोई सवाल पूछना है तो आप राजनीतिक गुना में लगा लगा रहे हैं। जो लोग आज धर्म देखकर वोट बैंक की गिनती कर रहे हैं वो नेता नहीं है। ताकि देश के लोगों के जो बुनियादी सवाल है उसको गुमराह कर दिया जाए। अभी आपको पता चला कि देश में 45 साल में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है और पिछले 5 साल में 3,16,00,000 लोगों की नौकरियां चली गई और नौकरियां नहीं मिलने के बाद में ये आंकड़ा आ चुका है कि हर घंटे एक नौजवान आत्महत्या कर रहा है। मैं अपने नौजवान दोस्तों से अपील करना चाहता हूँ कि दोस्त अपने भाग्य को कोस करके हम आत्महत्या नहीं करेंगे बल्कि हमारा कैरियर छीन करके अपने बेटे का कैरियर बनाने वाले इस तरीका से सवाल का जवाब मांगे। गांधी जिंदाबाद कहने वाले लोगों को आज देश में निकाला जा रहा है और गोरखे जिंदाबाद कहने वाले लोगों को पार्लियामेंट में बिठा दिया गया है। लोगों को भगाने वालों के ऊपर भगवान नहीं किया जा रहा है और अगर भगवान करने का निर्देश मानना कुछ देती है तो उस जगह का ट्रांसफर कर दिया जा रहा है। आप देखिए कि खुलेआम इस देश से भीतर क्या किया जा रहा है। खुलेआम इस देश के भीतर धीरे 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 लोगों के जो संवैधानिक अधिकार हैं उनके संवैधानिक अधिकार को छीन कर इंसान को गुलाम बनाने की साजिश रच रहा है। आप कहिए कि आप इस देश में एक ही वर्ग के लोग हैं जो सीएम सरेंडर का प्रयोग कर रहे हैं और जो भर्ती भर करके इस देश की सेवा कर रहे हैं वो एक ही क्लास के लोग हैं, एक ही वर्ग के लोग हैं, उन लोगों के आपस में लड़ाया जा रहा है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि गृह मंत्री साहब को पेंशन मिलेगा लेकिन भर्ती भर करके नौकरी करने वाले सिपाहियों को पेंशन नहीं मिलेगा, इसको बयान नहीं कहने का कारण नहीं है। मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि हमारे बच्चों के हाथ में आप पत्थर घुमा देना चाहते हैं, हमारे नौजवानों के हाथ में आप रोड घुमा देना चाहते हैं और अपने बेटा को बीसीसीआई का सेक्रेटरी बना देना चाहते हैं। एक एक इंसान के बीच में जाएंगे और आपको क्या लगता है आप हमको अपनी नफरत से डरा देंगे? आप भुला देंगे हम गांधी को मारने वाले लोग हैं और गांधी जी के प्रपोज आज हमारे मंच पर बैठे हुए हैं, इस बात की शिनाख्त कर लीजिए। हम इस देश में आप तमाम लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि यही नफरत जो नफरत आप इस देश के भीतर बोली जा रही है इसी नफरत का नतीजा था कि इस खूबसूरत देश को दो हिस्सों में बांट दिया गया। उस वक्त भी अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से गाय का मांस मंदिरों में फिरवाकर, सुअर का मांस मस्जिदों में फिरवाकर हिंदुस्तानियों को आपस में लड़ाया, भारतीयों को आपस में लड़ाया और भूत काल और भारत करो की नीति के तहत इस देश का बर्बाद किया। मैं याद दिलाना चाहता हूं इस देश के हुक्मरानों को, हुक्मरानों को यह समझ में आना चाहिए कि इस देश में मुसलमान रह गए उन्होंने जिन्ना को नहीं गांधी को अपना राष्ट्रपिता चुना है। इस बात को याद रखना चाहिए, इस बात को याद रखना चाहिए कि जब पाकिस्तान हमने की बात आई देश में दंगे शुरू हुए तो एक तरफ पश्चिमी भारत में माउंट बेटन की पूरी फौज खड़ी
को बनना नहीं रोक पाए। अकेला महात्मा गांधी, वो बापू, वो आत्मनिर्भर सभी इस भारत का दंगा भूख हड़ताल से रोक गया था। इस देश ने हमेशा गांधी को बनाया। मैं बार बार कहता हूं कि इस देश की सरकार ने गोडसे को चुन लिया है, इस देश की जनता को तय करना है, उसको गोडसे के साथ जाना है कि गांधी के साथ जाना है। जरूरत है कि हम गांधी के रास्ते पे चले और वही रास्ता वही पथ हम लोगों के मुक्ति का रास्ता दिखाएगा। आज के डेट में, आज की तारीख में हमको अम्बेडकर की समानता की जरूरत है, गांधी जी की महानता की जरूरत है और भगत सिंह की बहादुरी की जरूरत है, निडरता की जरूरत है। इस बात को हम लोग बयान करना चाहते हैं। अगर भगत सिंह की निडरता, गांधी ने धर्म निराधार पर देश की मांग की साजिश को बखूबी समझा था। इसीलिए गांधी ने कहा था, रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम, ईश्वर वाला तेरे नाम, सबको शरण के भगवान। और आज अगर गांधी जिंदा होते तो इसी गांधी के साथ मुलाकात करते, रघुपति राघव राजा राम, पति पावन सीताराम, ईश्वर अल्लाह तेरो नाम, सबको सन्मत दे भगवान, सबको शिक्षा, सबको काम, रोटी कपड़ा और मकान, सब इंसान को मिले पाव काम सम्मान। इस गाने में बात छोड़ी जाती है, ये बात छोड़ी जाती कि क्यों ऐसा हो रहा कि एक तरफ देश में बेरोजगारी बढ़ रही है, हर महीने नौजवान आत्महत्या करने में विवश है, खेत में किसान मर रहे हैं, सीमा पे जवानों की शहादत हो रही है। और अजीब बात देखिए, मेरे पिताजी किसान थे, मेरे भाई लोग फौज की नौकरी करते हैं, हमारे परिवार से एक भाई की शहादत भी नहीं है, लेकिन जब हम ये कहते हैं सबको शिक्षा सबको काम पढ़ना होगी नींद हराम, तो ये कहते हैं कि हम देश को भड़काने का काम कर रहे हैं। साहब, हम देश को भड़काने का काम नहीं कर रहे हैं। इस मिट्टी में हम पैदा हुए, हमारे पुरखों ने जान गवा करके जो आजादी हमको दिलाई, कसम चंद्रशेखर आजाद की, उस आजादी को बचाने की बात कर रहे हैं, उस संविधान को बचाने की बात कर रहे हैं। और ये बात हम करेंगे, ये बात हम करेंगे। आपको जितनी ताकत लगानी है लगा लीजिए, आपको जितना पैसा खर्च करना है खर्च कर लीजिए। और ये गर्दन हम इसलिए बचाना चाहते हैं कि एक जूता सिलने वाले का बच्चा भी अपने टैलेंट के बदौलत बीसीसीआई का सेक्रेटरी बन सके और उसके साथ का अफसोस नहीं हो, उसके साथ का अभिमान हो कि हमारा बाप कल्याण नहीं था, हमारा बाप कल्याण नहीं था, उसके साथ का अभिमान हो, उसके साथ का अभिमान हो कि देश में ईमानदारी से मजदूरी करना ये हमारी बदकिस्मती नहीं है, उसके साथ का अभिमान हो वो गर्व से ये बोल सके कि हाँ हम किसान का बच्चा है। क्यों भाई, क्यों कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनेगा, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनेगा, लीडर का बेटा लीडर बनेगा। मैं पूछता हूं कि फार्मर का बेटा फार्मर क्यों नहीं बनेगा, ये सवाल मैं पूछना चाहता हूं। कई जगह साहब जी देश से दिक्कत बना रहे हैं और कोई सवाल पूछा है तो आप राजनीतिक गुना मेहनत लगाने लगते हैं। जो लोग आज धर्म देखकर वोट बैंक की गिनती कर रहे हैं वो नेता नहीं है, कितने साल को आप जाय रखिएगा और उन्हें कितने साल को सावधान रहने की जरूरत है। मैं पूछता हूं कि खून बहता है किसी का भी बहता हो, टोपी लगाने वाला का प्रभाव हो या टीका लगाने वाला का प्रभाव हो, वो ये इंसानियत का कतल हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर इंसानियत का कतल हुआ है और आपके भीतर अगर इंसान जिंदा है तो क्या आपको तकलीफ नहीं होगी,
आपको बुरा नहीं लगेगा। हम लोग क्या बनाया जा रहा है, अगर गांव में कोई मर जाता चाहे वो किसी जाति या धर्म का हो, पूरे गांव में खाना नहीं मिलता था, तो ये सब होता था कि नहीं होता था? बताइए, दंगा भड़का करके, भड़काऊ भाषण दे करके कपिल मिश्रा के ऊपर तिरस्कार का मुकदमा नहीं किया गया, लेकिन इस क्षेत्र में आप सच सुनिएगा तो आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाएगा। हम कहते हैं कि देवेंद्र सिंह एक पुलिस ऑफिसर लश्कर ए तैयबा के आतंकवादी के साथ पकड़ा गया, उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा नहीं किया गया, लेकिन जो विद्यार्थी अगर सवाल पूछेगा तो उसके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा कर दिया जाएगा। आप मत बताइए, अरे मानिए मैं तो जवान हूं, मैं तो यूनिवर्सिटी में पढ़ता था। हो सकता है कि लोग अपने राजनीतिक दिनचर्याओं के लिए कुल जरूर बातें करते होंगे, लेकिन आप मुझे बताइए स्कूल की जो छोटी छोटी बच्चियां कर्नाटक स्कूल में जो 8 साल और 10 साल की बच्चियां हैं, एक नाटक करने के गुनाह में उनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा किया जा रहा है। सत्यनारायण स्वामी का प्रसाद जी तमाशा चल रहा है देश में। हमारी लड़ाई इस बात के लिए है कि जैसे अंग्रेजों ने दिवाली में लूट लिया था, ये आज जागरों के लूट कर रहे हैं। इस जागरों के लूट के खिलाफ हम अपने मुद्दों पर इस देश की राजनीति को बनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि अगर राजनीतिक बहस हो तो इस बात के लिए हो कि बिहार से 50% लोगों को पलायन क्यों करना पड़ता है। एक लड़की वहां बोल करके गई है कर्नाटक के लिए, सारे का उसने बताया कि अगर यही कभी यूनिवर्सिटी होता तो हमको पढ़ने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ता, अगर यहीं पर अस्पताल होता तो हमको इलाज कराने के लिए दिल्ली नहीं जाना पड़ता, अगर यहीं पर हमको काम नहीं मिलता तो आज हमारे बिहार के लोग नॉन मिलने के धंधे में अपनी जान नहीं गवाए होंगे। चाहे वो मंदिर जाते हो या मस्जिद जाते हो, लेकिन काम दोनों का एक तरीके का है, दोनों मजदूरी कर रहे हैं, साथ में मजदूरी कर रहे हैं, साथ में दिवाली का लड्डू और ईद की सब्जियां खा रहे थे, तो महिलाओं ने अपने कैरियर के लिए और अपने बेटा के कैरियर के लिए इस देश में आग लगाई है, इस बात का हिसाब दिया जाएगा, इस बात पर हम अमल करना बंद नहीं करेंगे। और जब हम बोलते हैं तो क्या होता है तुम्हारे बोलने से, सुन लो दोस्त, एक बार एक जंगल में आग लगी थी और एक कोयल अपने चोंच में पानी भर करके आग बुझाने की कोशिश कर रही थी, बड़े बड़े जानवर बैठ करके हंस रहे थे, आग भी पूछो अपने पास की लश्करों में बैठ करके पीओ देख रहे हो। याद रखिएगा ये आग बुझेगी और आग का नाम आग लगाने वाले में और हमारा नाम आग बुझाने वाले में लिखा जाएगा, इस बात को याद रखिएगा। याद रखिएगा जब देश को जरूरत थी क्यों नहीं लोग मिले सड़कों पर, क्यों नहीं गए युद्ध में, सारे के सारे नेता बचाने के लिए, गुलामी को हराने के लिए हमको आजादी के नारे को बुलंद करते रहना पड़ेगा।